नमस्कार। हमारे प्रैक्टिस में रोज़ अलग अलग तरह के पेशेंट आते रहते हैं और वो पेशेंट्स को इस तरह के सिम्टम रहते कि जो कभी ऐसे क्लासिकली किताब में ना दिए है या हमने पढ़ाई में नहीं देखे होंगे। ऐसे मिक्सचर आता है जो कभी हमने सुनाई भी नहीं है, तो वो आपको मैं आज बता रहा हूँ कि कैसे पेशेंट आते हैं और उसका हमने ट्रीटमेंट कैसा किया। तो एक लड़का है, उम्र अप्रॉक्सीमेटली 19-20 साल की, और पिछले 6 महीने से उसको ओसीडी की बीमारी है। और ओसीडी इसका मतलब ऐसा है कि बार बार स्नान करना, बार बार हाथ धोना और साफ सफाई बहुत करना, जो चीज़ वहाँ की वहीं रखना है और नहीं रखा तो एकदम डिस्टर्ब हो जाना, किसी ने उसको हाथ लगा दिया तो वो कपड़ा धोना या हाथ धोना, ऐसा टिपिकल क्लासिकल ओसीडी का उसको प्रॉब्लम चालू हो गया था। फिर धीरे धीरे इसका जो है उसने अलग मोड़ लिया और फिर बार बार अपने मन से हंसना, बिना कारण रोना, फिर पैसे मांगना घर वालों को और ज़्यादा पैसा खर्च करना, जहाँ नहीं चाहिए वहाँ भी अनावश्यक चीज़ें खरीदना, बार बार एक ही बात बोलना, फिर पढ़ाई के लिए बिल्कुल ही शून्य, कॉलेज में जाने का नहीं, पढ़ाई करने का नहीं, फिर चालू किया स्नान नहीं करना, फिर उसके साथ साथ हो गया उसका बाहर घूमने को जाना, मतलब वो पैदल जाता था घूमने के लिए, चप्पल शूज़ कुछ भी नहीं है, बिना कुछ पहने हुए और बस घूम रहा इधर से उधर, उधर से उधर, कुछ कारण नहीं है, ऐसा घूमते जा रहा है। फिर अभी उसने पिछले 1-1.5 महीने से अभी जानवरों का उसको शौक लग गया। अब जानवरों का शौक मतलब ऐसा कि उसने खरगोश रैबिट उसको खरीद लिया और टर्टल मतलब कछुआ, कासव बोलते मराठी में, तो वो टर्टल मतलब कछुआ और खरगोश वो उसने खरीद के लाए। घर से पैसे मांगना, नहीं दिए तो चिल्लाना चीखना और फिर जाना और ढूंढ के उसने वो खरगोश लाए दो और दो वो कछुए लाए और बोले इनको रखना है मेरे को घर में, और पर उसके उसमें वो दिन रात उसमें ही है वो, कि उनको साफ करना, उनने गंदगी किया तो उसको धोना, अनबस उसका ही चालू है उसको। फिर अभी उसने उसके साथ साथ बिल्ली लाए, बिल्ली का जो है वो उसको बिल्ली को लेके सोना, अपने बेड पर सोना बिल्ली को लेके, वो बाकी लोगों को घर में तकलीफ, क्योंकि अलग अलग बेडरूम नहीं है, वो म्याओ म्याओ कर रही बिल्ली रात को, सबको जगा रही है और ये उसको मान ही नहीं रहा है, और उसको कुछ भी अपोज किया तो ये आक्रामक हो जाता है और चिल्लाना चीखना चालू करेंगे, मारपीट करेंगे और फिर बोलता है कि अभी मुझे कुत्ते लाने का है। अब देखो कुत्ते और वो बिल्ली इन साथ में रखेंगे, इन क्या होगा उनको पता नहीं, और फिर एक जगह पे बैठता नहीं, सतत घूमते रहता है इधर से उधर, और ट्रीटमेंट चालू और जितनी चाहे उतनी उसको, मतलब ट्रीटमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये टिपिकल चालू हो गया ओसीडी जैसा, बाद में हुआ स्किजोफ्रेनिया में कन्वर्ट, मतलब ये मिक्स पिक्चर है स्किजो ऑब्सेसिव, और ये ऐसा बहुत कम मिलता है कि भाई कछुए का पालन मतलब उसका ये कर रहा ला रहा है या खरगोश ला रहा है या बिल्ली ला रहा है, ऐसे जानवरों को भी कुत्ते ला रहा है और वो पैसे से खरीदना है, लाना है, घर से पैसे मांगना है। फिर मैंने बोला भाई इसको तो ये मानने को तैयार नहीं, और इसको थॉट डिसऑर्डर तो है ही, उसको हेलुसिनेशन भी हो रहे, तो हम उसको ट्रीटमेंट देंगे। फिर हमने उसको एंटीसाइकोटिक्स चालू किए, उसको शॉक ट्रीटमेंट दिया क्योंकि वो दवाई लेने को तैयार नहीं था, फिर शॉक ट्रीटमेंट दिया उसको, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ECTM बोलते हैं, तो वो दिया, करीब 8 शॉक्स उसको दिए। और आपको बताऊंगा कि अभी आजकल जो मतलब आप पिक्चर में देखते हो वैसा शॉक नहीं है कि भाई 3-3, 4-4 लोग पकड़ रहे उसको शॉक दे रहे, वो चिल्ला रहा ना ऐसा, वो सब पिक्चरों में है, वैसा भी होता नहीं। हम शॉक देते इसका मतलब वो पेशेंट को पहले हम सुलाते हैं, इंजेक्शन देते हैं, सोने का ड्राउजी उसको कर देते हैं और बाद में हल्का सा उसको करंट लगता है, उसको मालूम भी नहीं होता है, चिल्लाना चिखना भी नहीं होता, हिलता भी नहीं, पकड़ने का भी काम नहीं है। रिलेटिव उसके बाहर खड़े हैं तो उनको मालूम नहीं होता है कि शॉक दिया कि नहीं दिया, उसके बाद में उठ जाता है और उसको मालूम भी रहता नहीं कि अपने को शॉक दिया है। उसको बोलते हैं मॉडिफाइड ECT, पहले ज़माने में देते डायरेक्ट ECT, अब ये मॉडिफाइड ECT हो गया जिसमें ना रिलेटिव्स को तकलीफ है कि भाई नहीं नहीं इतना वो कैसा दे रहे, क्रूरता है बहुत, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना पेशेंट को मालूम होता है, ना पकड़ने की ज़रूरत है, इसमें बहुत फ़र्क पड़ गया। और अभी उसको मैं छुट्टी कर रहा हूँ एंटीसाइकोटिक्स देके, नींद की गोली में दे रहा हूँ, मतलब सेडेटिव्स दे रहा हूँ, साइकोटिक्स दे रहा हूँ, एंटीसाइकोटिक्स, और उससे वो फ़र्क पड़ेगा। ऐसे पेशेंट में अंदाजन कम से कम मैं बोलता हूँ कि नहीं, साल भर तक भी आपने दवा लेना ज़रूरी है, क्योंकि बीच में आप बदल देते, बंद कर देते तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक आपके जानकारी के लिए कि ऐसे भी पेशेंट रहते हैं। और अभी इन्होंने जल्दी लाया करके, क्या होता है कि जल्दी नहीं लाते हैं या फिर लोगों को स्टिग्मा है कि नहीं नहीं हमारा बच्चा पागल हो गया, लोगों को मालूम पड़ा तो क्या होगा, फिर वो कैसे मतलब उसकी शादी कैसी होंगी, स्पेशली लड़की रहे तो फिर लाते नहीं है, फिर झाड़ फूँक करना,
बाबा महाराज के पास में मंदिर में मस्जिद में लेके जाना ऐसा करते रहते हैं और उसमें और नुकसान पेशेंट का होता है। तो ऐसे पेशेंट्स जो है उनका इलाज करना जरूरी है, ना कि समाज का मतलब डर रखना मन में, क्योंकि वो पेशेंट के भले के लिए कि उसका इलाज करो। वीडियो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।